हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूर्वा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन तैयारी पे। आईएएस प्री 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम और डे है आज 6। तो आज के डे 6 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कोशिश करी है कि एक क्वेश्चन फ्रॉम एवरी सेक्शन यहाँ पे हो। एंड स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है या कम है, बट उस क्वेश्चन में आपको कितनी नॉलेज मिल रही है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज डे 6 से अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्विज नहीं देखी है तो प्रीवियस क्विज भी देख लीजिए। एंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसके आंसर्स क्या करेक्ट ऑप्शन होगा वो नीचे कमेंट करके बिल्कुल मुझे बताया करिए, तभी तो पता चलेगा कि क्विज में आप लोग कितना इंटरैक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट बस यार इतनी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे कॉमेंट करके आंसर्स बता दिया करो तो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक द्वारा दिए गए ऋण के उद्देश्य को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाई द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द पर्पज ऑफ लोन्स गिवन बाय द कमर्शियल बैंक। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मोरल परसुएशन, पब्लिक सिटी एंड डायरेक्ट एक्शन, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण, नैतिक अनुनय, प्रचार एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई, या फिर खुला बाजार संचालन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये आप लोगों को बताना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चार आपके पास में ऑप्शंस हैं और आपको ये बताना है कि ऋण के उद्देश्य को नियंत्रित करने के लिए जो लोन दिया जाता है, द पर्पस ऑफ द लोन जो कि कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है, उसमें कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है वो सही है। आपके ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, वन टू एंड थ्री, या फिर उपयुक्त सभी। सो इसका राइट आंसर है वन टू एंड थ्री, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मोरल पर्सुएशन एंड पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट एक्शन, ये तीनों ही करेक्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस गलत आंसर है, इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका वन टू एंड थ्री करेक्ट है। अब आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए कि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण, नैतिक अन्याय, प्रचार एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई, खुला बाजार संचालन, ये जो है इन सब की डेफिनेशन आप नीचे कॉमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या होती है। खुद से एक बार पढ़िए और डेफिनेशन मुझे कमेंट करके बताइए क्या है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और ये चारों की चारों जो डेफिनेशन है ये मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी, जो कल का हमारा सेशन होगा उसमें ये डेफिनेशन डिस्कस करी जाएंगी। और उसके साथ साथ रामनाथ वर्मा ने क्वेश्चन पूछा था धन विधेयक और जो साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल, तो वो भी रामनाथ वर्मा कल के सेशन में आपको डिटेल एक एनालिसिस में प्रोवाइड करूंगी जिसमें धन विधेयक और मनी बिल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक, क्वेश्चन ही पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, तो कल का सेशन आप बिल्कुल देखिएगा। और उसके साथ साथ जो लास्ट क्वेश्चन में लास्ट सेशन में आंसर्स दिए थे स्टूडेंट्स ने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने आंसर दिए। और एक वर्ड का मुझे इंग्लिश भी नहीं आता था, वो भी आप लोगों ने दिया, तो लिटरली थैंक यू गाइज कि आप लोग अच्छे से सेशन को सपोर्ट करें। अब आज भी आपको ऐसे ही करने के, इनके डेफिनेशन आपको बतानी है। कल के सेशन में आई विल एक्सप्लेन मनी बिल वर्सेज ऑर्डिनरी बिल और ये चारों की डेफिनेशन क्या है, ये चीजें हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एज यू नो, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, लिंक कर लेना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं। पता है तो मुझे फटाफट से कॉमेंट करके बताइए कितने लोगों को हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, सॉरी
नाम निर्दिष्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 12 लोगों को किया जाता है, जिनमें से 10 जो होते हैं वो अलग अलग फील्ड्स के होते हैं और 2 होते हैं हमारे एंग्लो इंडियंस। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है हमारा, सॉरी थोड़ा स्टेटमेंट से भटक गई। सो पहला स्टेटमेंट है हमारा, अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गैर सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। पहला स्टेटमेंट ये रहा हमारा। दूसरा स्टेटमेंट है, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनमें आपके पास में ऑप्शन है फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर दोनों ही सही है, या फिर ना तो फर्स्ट सही है या ना तो दूसरा सही है। तो गाइस चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर्स, ठीक है, जो आपके मिनिस्टर्स के अलावा जो आपके मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के उनको हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स, और उनके द्वारा जो बिल प्रस्तुत किए जाते हैं उनको बोलता है प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक। तो भारत की संसद के संदर्भ में मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले जो विधेयक होते हैं वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं, बल्कि मंत्री को छोड़ करके जो अन्य शेष किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक हैं वो गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। तो अब एकदम दिमाग में बिठा लो कि सरकारी विधेयक जो मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है और मंत्रियों के अलावा जो अन्य सदस्य हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके द्वारा जो बिल पेश किया जाएगा, जो विधेयक पेश किया जाएगा वो आपका गैर सरकारी प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। क्लियर, पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, एनी एमपी कैन इंट्रोड्यूस अ बिल इन द पार्लियामेंट। प्राइवेट मेंबर्स बिल आर बिल्स इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय एमपीज हु आर नॉट मिनिस्टर्स, ठीक है, ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। और जो दूसरा स्टेटमेंट था कि रिसेंटली, जो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ था कि दूसरा स्टेटमेंट था हमारा कि रिसेंटली अभी पहला प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास किया गया, तो उस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्ट करते हुए इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट एक्सप्लेनेशन क्या है? तो 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल अभी तक पास किए जा चुके हैं सिंस इंडिपेंडेंस। द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014 पास बाय द राज्यसभा। अब यहाँ पे ऑन फ्राइडे नहीं आएगा गाइज, ये गलत हो गया है, नॉट ऑन फ्राइडे, ठीक है। Is the first private member bill to get the upper house approval in the past 45 years. ठीक, तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है कि ये प्राइवेट मेंबर्स बिल और जो आपका एक्चुअली सरकारी और गैर सरकारी बिलों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। Now coming to the next question. Next question है हमारा, there has been considerable decline in corals Great Barrier Reef. Which of the factor have contributed to its decline? हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवालों की तेजी से क्षय हुआ है, इनमें से कौन से कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं? ओवर फिशिंग एंड कोस्टल इरोजन, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कोस्टल पोल्यूशन, ओशन वार्मिंग, तटवर्ती क्षेत्रों का अपर्दन, अत्यधिक मत्स्यन, हरित गैस ग्रह गैसों में उत्सर्जन में वृद्धि, तटवर्ती क्षेत्रों में प्रदूषण, या फिर समुद्र के तापमान में वृद्धि। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फटाफट से ये चारों के चारों आप जो ऑप्शंस है वो देख लीजिए, फिर हम लोग कोड्स की तरफ मूव करते हैं कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 और 2, 2 और 4, 1, 2 एंड 4, या फिर ऑल ऑफ देम। सो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके पास में है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ओवर फिशिंग एंड कोस्टल इरोजन, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कोस्टल पोल्यूशन, या फिर ओशन वार्मिंग, क्या इनमें से करेक्ट है? तो गाइज जो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले हम लोग एक बार राइट आंसर देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर है चारों ही करेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। The reason for the depletion of corals of Great Barrier Reef are extensive erosion and fishings are harmful for corals. जो अत्यधिक अपर्दन होता है और मत्स्यन होता है, फिशिंग होती है, वो corals के लिए हानिकारक है। फिर हरित गैसों की मात्रा में ज्यादा वृद्धि, प्रदूषण, तापमान में वृद्धि, इन सब से जो corals हैं वो मरने लगते हैं, जो प्रवाल हैं वो मरने लगते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड, विथ रेफरेंस टू
द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम. क्वेश्चन हिंदी वालों स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अभी हिंदी में भी है तो परेशान मत होइएगा. ऋग्वेद सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यूज ओनली कॉपर एंड आयरन. ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, या फिर ऑल ऑफ देम? अब चलो हिंदी वालों, इंग्लिश वालों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पढ़ो उसको, आगे बढ़ते हैं. हिंदी में क्या है क्वेश्चन? तो हिंदी में ये क्वेश्चन बोलता है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिर सत्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके के लोगों में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है. ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था. थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, ऋग्वेदी कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते भी थे. अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि आज आपको जाकर के ऋग्वेद सिंधु घाटी इन दोनों को ही एंशियंट हिस्ट्री में रिवाइज करना है. ठीक, चलो इसकी तरफ मूव ऑन कर लेते हैं. तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में, इंडस वैली के जो लोग थे वो बेसिकली शांति प्रिय थे, पीस लविंग पीपल थे, और उनके जो आर्म्स थे उसमें स्वॉर्ड, डैगर्स, एरोहेड्स एंड स्पीयर्स ये सब आते थे, और उनके पास में आर्मर, हेलमेट, बॉडी आर्मर, शील्ड, इन सब के भी मतलब अवेलेबल थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है. और दूसरी तरफ जो आर्यंस थे वो वॉरलाइक पीपल थे एंड वर कन्वर्जेंट with all kind of traditional arms and armors and had devised a full-fledged signs of war. Second statement, horse which played a decisive role in Aryan system of warfare was not known to the Indus people. So Indus people ko horse ke baare mein koi knowledge nahi thi. क्लियर? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है इंग्लिश में. इंडस वैली के जो लोग थे वो कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड को जानते थे बट आयरन को नहीं जानते थे. अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है वन एंड थ्री ओनली. ठीक है, वन एंड थ्री इज द राइट आंसर. हिंदी में इसकी तरफ मूव करें एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु अयस्क तांबा या कांस्य था, वे सोने एवं चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ताम्र का ज्ञान तो था पर वे लोहे के ज्ञान से वंचित थे. ठीक, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिर सत्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी लोगों सभ्यता के लोगों को इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है. ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है. ठीक, तो ये था ऋग्वेद और सिंधु घाटी के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ खाना पकाने वाले गैस कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य हासिल किया गया था. इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला कथन है हमारा, यह 1 मई 2016 को बिहार के बलिया जिले में लॉन्च की गई थी. दूसरा कथन है, इसका लक्ष्य मार्च 2019 तक 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित करना था. और तीसरा कनेक्शन है, इसकी टैगलाइन स्वच्छ इंडिया बेहतर जीवन है. करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है आप लोगों को. इंग्लिश में इस क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, तो रिसेंटली द गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 मिलियन कुकिंग गैस कनेक्शंस वाज अचीव्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज लॉन्च ऑन May 1, 2016 इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. इट्स टारगेट वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट एलपीजी कनेक्शन टू 5 मिलियन बीपीएल फैमिलीज बाई मार्च 2019. इट्स टैगलाइन इज क्लीन इंडिया अ बेटर लाइफ.
अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो गाइस थोड़ा सा आप लोग देखो इसको, क्वेश्चन को ध्यान से, आपको पहले ही यहाँ पे हिंट मिल जाएगा। ठीक, पहले ही यहाँ पे हिंट मिल जाएगा, एलिमिनेट करो यहाँ से। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो गाइस बिहार में नहीं है, बलिया जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ऑटोमेटिकली गलत हो गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, और ऑल ऑफ द अबव तो ऐसे ही गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? 2 एंड 3 दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब इसके बारे में बात करें उज्ज्वला योजना की, तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसे लॉन्च किया गया था। और इस योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू गैस का कनेक्शन देती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आ गई है कि देखो इसको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है। ठीक, अब इसमें क्या है कि बेसिकली जो आपके रूरल एरियाज है वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से खाना पकाया जाता है, लाइक गोबर से, कंडे या उपले जिनको बोलते हैं, लकड़ी से। तो इन सब से जो धुआं निकलता है उस पे महिलाओं पर खास करके बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लाइक द फ्यूल जो आपके होते हैं इसमें से जो फ्यूम निकलती है, तो उससे विमेंस के हेल्थ पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो उसको ठीक करने के लिए अभी जो LPG गैस कनेक्शन है वो उनको इन चीज़ों से राहत पहुँचाती है। ठीक है, सो ये था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। आई होप गाइज आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और पिछले हफ्ते की क्लास 1 से लेकर के 5 तक की जो क्वेश्चंस कराए हैं, उन क्वेश्चंस की विद एक्सप्लेनेशन PDF आपको मिलेगी कल के सेशन में। ठीक है, तो वहां से आप कल के सेशन पे बिल्कुल डाउनलोड करिएगा PDF को, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे, एक ही PDF में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अपना फीडबैक और आंसर्स नीचे कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कल का सेशन भी देखिएगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।